आज सुबह हम सब ने अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में हैप्पी वुमेन्स डे विश किया होगा, पर जरा सोचिए क्या आज वाकई में हैप्पी वुमेन्स डे है? क्या वाकई में आज कोई भी औरत जुर्म का शिकार नहीं है? असल में हैप्पी वुमेन्स डे वो दिन होगा जिस दिन किसी भी औरत पर कोई अत्याचार नहीं होगा। वो बेड नंबर 6 का पेशेंट है ना, उसे इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर सर, सर डेंगू का एक पेशेंट आया है पर हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। वो एसिड अटैक वाली पेशेंट है ना, उसे डिस्चार्ज कर दो। जी सर। कुमुद एसिड अटैक की विक्टिम थी, लेकिन उसे ना तो अपने अपराधी की खबर थी और ना ही वो उसके बुरे इरादों की वजह जानती थी, और अब उसका दर्द भी उसे चुनौतियां देने को तैयार था। कुमुद, तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तुम केवल 30% ही जली थी, 70% या उससे ऊपर होता तो तुम्हें हमें हॉस्पिटल में रखना पड़ता। ये हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है। अच्छा, तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा? जिंदगी का एक बुरा हादसा जब जिंदगी भर का बोझ बन जाए, तो बुरा वक्त कभी अपने आप को कोसने का तकाजा करता है तो कभी अपने आप से लड़ने का। लेकिन वक्त हमारा दोषी नहीं होता है, दोषी वो होता है जो किसी का बुरा करने का अपराध करता है। लेकिन कुमुद के साथ जो हुआ वो बुरे से भी बदतर था। सर, कुमुद का भाई नवीन 2 महीने पहले जेल से छूटा और कुमुद ने उसे अंदर करवाया था। कुमुद के दोस्त ने बताया कि एसिड अटैक से 1 हफ्ते पहले उसने कुमुद को बैल से पीटा था। सर, हो सकता है कि उसने कुमुद पे एसिड फेंका हो। लेके आओ उसे। सर, कुमुद का भाई कहाँ है? बात क्या है साहब? देखो अंदर। अंदर ऐसे कैसे जावे? अरे अरे, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ है? अरे साहब किधर? अरे साहब, अरे अरे, ऐसे कैसे ले सकते हैं हमें? साहब लेकर चलो सर। हमने किया क्या? कुमुद के भाई होना तो? हाँ सर, लेकिन ले चलो सर। लेकिन हमने किया क्या, बात तो बताइए साहब। अरे साहब, अरे साहब, एक मिनट। साहब हमारे बेटे को छोड़ दिए साहब, उसने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दिए। कुमुद, तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है और तुम्हारे दोस्त का फोन भी बंद है, तुम यहां से जाओगी कैसे? हम खुद भी चले जाएंगे सिस्टर, पर हॉस्पिटल का बिल? ऐसे तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, तुम 2 मिनट रुको, हम आते हैं। साहब, हम कुमुद पे क्यों एसिड फेंकेंगे? भाई है हम उसके। भाई नहीं, तू कसाई है। 10 दिन पहले तूने कुमुद को पीटा और 6 महीने पहले उस बच्चे मीरा का सिर तक फोड़ दिया तूने। तेरा बस चलता था उस बच्चे की जान तक ले लेता, भाई बोलता है तो। साहब, वो भी हमको अपना भाई कहां मानती है? अपनी बेटी को तो सर पे चढ़ा के रखा है उसने। माँ से बदतमीजी कर रही थी तो बस इसी खुंदक में हाथ उठ गया, और कुमुद वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय उल्टा मुझे जेल करवा दी। और इसी खुंदक में तूने कुमुद पे एसिड फेंक दिया। साहब मानते हैं कुमुद से हम नफरत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। तूने नहीं फेंका तो और किसने फेंका होगा? साहब ये हमको कैसे मालूम चलेगा? आप कुमुद के दोस्त वो गौतम से पूछिए ना, एसिड अटैक के टाइम पे वो भी था वहां पर। बैठो कुमुद, 3 दिन बाद आकर पट्टी चेंज करा जाना, और चिंता मत करना, डॉक्टर की बात हो गई है, तुम्हारा खर्चा एक एनजीओ उठा रहा है, ये रख लो।
अरे रख लो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। थैंक यू सिस्टर, हम ये पैसे आपको जरूर वापस कर देंगे। अच्छे से जाना। फिलहाल तो तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना मत कहीं। जा सकते हो। कौशिक, पता करो कुमुद पे जब एसिड अटैक हुआ ये उस एरिया में था या नहीं। सर, तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है। और तुम्हारे दोस्त का फोन भी बंद है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ये मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय करो, बस गिरना बाद संभाल के। बहुत खुश लग रहे हैं ना दोनों? हाँ बहुत खुश लग। मामा, आते कुमुद, अब वक्त आ गया कि हम सब एक हो जाएं। तो शादी की डेट निकलवा ले। पापा रुको ना। कुमुद एक तलाकशुदा औरत थी। गौतम से दूसरी शादी करके वो जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। कुमुद की बेटी को पिता और गौतम के बेटे को माँ मिलने वाली थी। दो अधूरे परिवार पूरे होने वाले थे, लेकिन इन सपनों पर एक बुरे मंसूबे का साया था। हो गया मैडम, वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। इस हादसे ने सिर्फ कुमुद का जिस्म ही नहीं गलाया बल्कि उसकी रूह भी हिलाकर रख दी। तू, तेरी वजह से मेरे बेटे की नाक में नकेल डाल रही है पुलिस। अब मैं तुझे अंदर नहीं घुसने दूंगी, चल निकल यहां से। अरे दरवाजा बंद करने के पहले हमारी बेटी को बाहर भेज दी। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं मतलब? हॉस्पिटल जाने कर बोल कर गई थी, वहीं गई होगी। निकल यहाँ से। वा, वा। सर, जिस मार्केट में कुमुद पे एसिड अटैक हुआ उसके भाई की फोन लोकेशन उस एरिया की नहीं थी। ये देखिए सर, जेल से वो क्या आया, इतना दिमाग तो रखता ही है कि क्राइम सीन पे मोबाइल ना लेके जाए। लेकिन सर वहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा विटनेस सामने आया जिसने कुमुद के भाई नवीन या किसी सस्पेक्ट को वहाँ पर देखा हो। कुमुद पे जब अटैक हुआ तो गौतम के साथ साथ उन दोनों के बच्चे भी उनके साथ थे। हैरानी की बात यह है कि गौतम ने देखा तक नहीं। लेकिन सर कुमुद के बयान के मुताबिक उस पे जो एसिड अटैक हुआ उसके पीछे उसके किसी दुश्मन का हाथ है और गौतम तो उसका दोस्त है। लेकिन कुमुद अपने भाई नवीन को अपना दुश्मन बताती है, और अगर ये काम नवीन का है तो उसने कहीं ना कहीं से तो एसिड का इंतजाम किया ही होगा। एक काम करो, नवीन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके यार दोस्त किस किस के पास उसका उठना बैठना है सब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। सर आपने देखा है कि कहीं मिलने गई है? सर माँ बोली हमसे मिलने अकेली हॉस्पिटल चली गई, पर हॉस्पिटल में भी नहीं मिली हम। कौशिक देखो जरा। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपकी माँ ने मीरा को अकेले जाने क्यों दिया? सर उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की, तो मीरा की क्या करेंगे? हमने हमेशा उन्हें सगी माँ का ही दर्जा दिया सर, पर उन्होंने कभी बेटी नहीं समझा मुझे। कुमुद की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अब तक वो ऐसे अटैक के सदमे से भी नहीं उबर पाई थी कि उसकी बेटी मीरा लापता हो गई। क्या ये भी उसके घर वालों का षड्यंत्र था?
या फिर असल में षड्यंत्र रचने वाला अब तक नजर में ही नहीं आया था। पीछे अच्छी तरह से देखो। अरे क्या कर रहे हो? छान मारो। कोई भी नहीं रहना चाहिए। आप तो ऐसे छानबीन करवा रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हो। क्यों? आपका बेटा जेल होकर नहीं आया? ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप तो हमको थाने लेके गए हुए थे, भला हम मीरा को कैसे गायब करेंगे? लेकिन गायब तो यहीं से हुई है ना, क्या पता इसमें तेरा भी हाथ हो? साहब वो मीरा हमारे हाथ की थोड़ी है, कहीं भी अकेली घूमती रहती है, चुहिया की तरह पुदकती रहती है इधर उधर, अब हम क्या उसकी पूंछ बनकर घूमें? नातिन को चुहिया बोल रहे हैं आप, तो बेटी को तो फिर पता नहीं क्या बोलती होंगी आप। साहब माँ हूँ, माँ की तो गाली में भी ममता होती है ना। वो तो दिख रही। सौतेली हूँ साहब, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हम सगा सौतेला नहीं देखते, जो फैक्ट होता है वही बोलते हैं। जो बोलना है बोल लो साहब, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो अपना समझकर माँ और बेटी का पेट भर रहे थे, पराया तो उन्होंने समझा हमको, हमको पता भी नहीं कुमुद गौतम से चक्कर चला रही थी। तो आपकी नफरत की एक वजह ये भी है। साहब दगा तो उसने दिया हमको, और आप दोषी भी हम ही समझ रहे हैं। तुम कहाँ हो? हम हॉस्पिटल आए तो पता चला तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। कुमुद सब ठीक तो है ना? गौतम मीरा। साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कुमुद गौतम से शादी करे या किसी और से करे, शादी करके जाती तो उल्टा बला टलती हमारी। ये भी तो हो सकता है कि तूने अपनी बला उस पर एसिड फेंक कर टाल ली। हमारे बेटे ने उस पर एसिड नहीं फेंका साहब, गौतम के अलावा उसका कई लोगों से चक्कर होगा, हो सकता है किसी ने उससे अपनी नफरत निकाली होगी। बेटे को बचाने के लिए बेटी पे लांछन लगा रही हैं आप। वो हम पर काला पोत रही है और हम उस पर लांछन भी ना लगाएं। मीरा। कुछ नहीं होगा मीरा को। सर लगता नहीं मीरा को कुमुद के भाई या उसकी माँ ने गायब किया हो, क्योंकि उनके घर से हमें कोई क्लू नहीं मिला। क्लू तो हमें कुमुद के भी किसी अफेयर का नहीं मिला जो उस पर एसिड अटैक की वजह बने। कुमुद ने अपने बयान में किसी ऐसे सिरफिरे का जिक्र नहीं किया जो उसे परेशान करता था या उसका पीछा करता था। कुमुद एक तलाकशुदा औरत है, पहले उस पर एसिड अटैक होना और उसकी बच्ची का गायब होना, कहीं ऐसा तो नहीं इस केस का कनेक्शन उसके पहले पति से हो? लेकिन सर कुमुद का तलाक 5 साल पहले हो गया था, 5 साल बाद उसका पति ये सब क्यों करेगा? कौशिक 5 साल बाद कुमुद दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, ये भी तो हो सकता है उसका पहला पति 5 साल पहले की कोई नफरत पाले बैठा हो। इस पहले पति की इंफॉर्मेशन निकालो। सर देखो अब मैं खेलता हूँ, कितना हुआ ये 3। ये देखो 1, 2 और 3। पापा। अरे मेरे बेटा। आंटी मीरा कहाँ है? मीरा कल आएगी बेटा, तुम जाओ खेलो। आहिस्ता बोलो, भारी बेटी सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। बहुत परेशान है वो, उसकी बेटी खो गई है, वैसे मैं हेल्प ही करूंगा तो कौन करेगा पापा? हेल्प ही करनी है ना तो थोड़े पैसे दे दो उसे, और एक बात सुन लो, हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। पापा मेरी बात कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस शक्ल देखने के बाद भी तू उससे शादी करना चाहता है? उससे तो शादी करेगा तो सारे घर में मनहूसी छा जाएगी, सुबह शाम कौन देखेगा उसकी शक्ल? अब आपकी चोट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आ रही थी लेकिन रास्ता भूल गई। कोई बात नहीं। सॉरी मम्मा। अरे कोई बात नहीं बेटा। मैं
उसको लेके जा सकती हूँ। कहाँ रहे और रहेंगे कहाँ? बेटा जो रास्ते पे लाया है वही रास्ता भी दिखाएगा, और पता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। सर ये राजेश बिष्ट कुमुद का तलाकशुदा पति है। मैंने कुमुद का डिवोर्स केस स्टडी किया, बड़ा मेसी केस था सर। ये कुमुद को मारता था, कमरे में बंद रखता था, तो फिर कुमुद ने एक एनजीओ की मदद से अपने पति राजेश से तलाक लिया। इसका करंट फोन नंबर एड्रेस सब निकालो। सर माना कि तुम उसकी सौतेली हो, लेकिन घर तो तेरे सगे पिता का था, वो ऐसे कैसे निकाल सकती? हाँ बेटा हम पड़ोसी हैं तेरे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। चल हम बात करें तेरी माँ से और भाई से। नहीं अंकल, अब उस घर में रहे ना तो हमारा दम घुट जाएगा, अब नहीं। तो तुम जाओगी कहाँ? और कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? है तो, मगर माँ ने सबको भड़का रखा है हमारे खिलाफ, कोई मदद नहीं करेगा। तो बेटा फिर तू जाएगी कहाँ? एक जगह है हमारे पास, मेरे दोस्त का घर खाली है, वो थोड़ा पुराना है, लेकिन आप दोनों का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो घर का इंतजाम तो हो गया बेटा, लेकिन फिर खाने पीने का ये नहीं। नहीं अंकल मेरे पास भी है, ये लो रख लो। तुम्हारे साथ बच्ची भी है ना, मैं अपनी दुकान से तुम्हें राशन का बंदोबस्त कर देता हूँ। देखना मर जाएगी लेकिन किसी पे बोझ नहीं बनेगी। तो क्या वो वापस नहीं आएगी? कहाँ वापस आएगी वो, आपने इतनी कमाल की एक्टिंग जो की है। और देखना हमको भी वही बोले कि गौतम प्लीज आप मेरी वजह से अपने माँ बाप का दिल मत तोड़ो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मम्मा हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा ये घर ना बिल्कुल हमारी तरह है, जैसे हमें सबने छोड़ दिया इस घर को भी सबने छोड़ दिया। पर देखो आंधी तूफान बारिश सबके बाद भी ये घर टूटा नहीं। वाओ कितना बड़ा घर है मम्मा, और खिड़की भी है, बहुत रोशनी आएगी और हम लोग यहाँ पे छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं। मम्मा मुझे घर बहुत पसंद आया, थोड़ा गंदा है लेकिन साफ कर लेंगे। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अगर उस बेसहारा पर तरस खाकर दुनिया ने हमें कोसना शुरू कर दिया तो? अरे दुनिया को कुछ नहीं पड़ी, बस पुलिस को ना पता चले इसलिए एक्टिंग चालू रखनी पड़ेगी। जानता हूँ तुम मेरे पेरेंट्स की वजह से घर से चली गई, लेकिन मैं तुमसे अब भी शादी करूँगा। तुम्हें और मीरा को अपनाने से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। मम्मा मम्मा ये देखो, ये हमारा फ्रेंड वरुण और ये उसके पापा। हाय गौतम। हेलो चलिए बेटा। अब आप कहाँ रहते हैं? रविदास कॉलेज में। आइए ना मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं थैंक यू हम चलिए। ओके मैं छोड़ दूंगा आपको, आइए ना।
हाँ बेटा, आपके शरीर से कुछ निकल रहा है, बहुत बदबू भी मार रहा है। बेटा, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे, मम्मा सब साफ कर देगी। हाँ साहब, हम क्यों झूठ बोलेंगे, वो दोनों माँ बेटी यहाँ नहीं आई। माँ सच कह रही साहब, पर हम क्यों झूठ बोलेंगे ऐसा? देखो बेटा, मम्मा ने पूरा साफ कर दिया, अब तो बिल्कुल बदबू नहीं है, नहीं है ना बेटा? देखो बेटा, मम्मा ने खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी, अब मेरे बच्चे को बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, नहीं आ रही ना बेटा? लेकिन मम्मा वो क्या है, आपकी चोट से फिर से येलो येलो निकल रहा है, फिर से पट्टी बदलनी पड़ेगी। सर कुमुद ने हमको कभी बताया नहीं कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, वो इतनी ज्यादा खुददार है कि अपनी प्रॉब्लम हमको भी नहीं बताती थी, वरना उसे अपने घर ले आते। घर तो लेके आए थे तुम उसे? लेके तो आए थे सर, लेकिन मीरा के मिलने के बाद हम कभी मिले नहीं उससे। हाँ कौशिक, ठीक है, कुमुद का पता चल गया। कमाल कुमुद, हमें इतना पराया कर दिया कि अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं किया, तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो हमारे साथ। एक मिनट, हमें कुमुद से बात करनी है, प्लीज जरा आप। कुमुद, अंकल अंकल, आप हमें अपने घर ले जाने आए हैं? हाँ बेटा, बहुत जल्द हम तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। आज नहीं ले जाएंगे? अच्छा, हमें पता चला है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी काफी मुश्किलों भरी थी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट किया करता था। खाओ तो वो भी बहुत गहरे थे सर, पर लगता है जिंदगी हर पड़ाव पर कुछ नए घाव दे देती है। हो सकता है तुम्हारे इस घाव की वजह भी तुम्हारा अतीत ही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पहले पति ने ही तुम पे एसिड फेंका होगा? पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगालना चाहती थी कि कुमुद पर हुए एसिड अटैक का कनेक्शन कहीं उसके पहले पति से तो नहीं था, जो कि इस केस को 7 साल पीछे ले जाने वाला था। वो शादी थी या किसी वैश्य दरिंदे के लिए किया हुआ समझौता, या फिर हमारी सौतेली माँ का कोई सौदा, हमें आज तक समझ में नहीं आया। शादी के बाद हमें पता चला कि राजेश की हमसे पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है, उसकी पहली पत्नियों से हमारा हाल अच्छा था या बुरा ये तो हम नहीं जानते, पर हाल हमारा भी बहुत बुरा था। वहाँ राजेश की माँ हमसे नौकरों की तरह बर्ताव करती थी, और राजेश तो जानवरों से भी बदतर, उस घर में दम घुट चुका था हमारा। पर जब मीरा हमारी जिंदगी में आई, तब हम मीरा के भविष्य के लिए डरने लगे, और उसका भविष्य बनाने के लिए हमने फिर से पढ़ाई करने का फैसला लिया। वो हमें मारता रहा, पर हमने तय कर लिया कि हम पढ़ेंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, हमने राजेश को बिना बताए फर्स्ट ईयर करस्पॉन्डेंट से पास कर लिया, पर जब उसे पता चला तो वो तो हमें जान से मारने पर उतारू हो गया। मायके आए तो सौतेली माँ ने जीना मुश्किल कर दिया, और जब वापस ससुराल गए तो राजेश ने बहुत बुरा हाल किया हमारा। अब वो हमें बस मारता पीटता ही नहीं था, बल्कि भूखा प्यासा कमरे में बंद भी रखता था, और हमें तड़पाने के लिए मीरा को हमसे अलग कर देता था। इसके बाद एक दिन हिम्मत करके हम मीरा को वहाँ से लेकर भाग आए। फिर एक एनजीओ की मदद से हमें तलाक मिल गया, और इस बार माँ ने भी हमें अपने घर में रख लिया। एलिमनी के पैसे मिले थे ना हमें,
अब चाहे मर क्यों ना जाए उनके पास वापस नहीं जाएंगे। तलाक के बाद क्या तुम्हारा कभी अपने पहले पति राजेश से आमना सामना हुआ? हाँ, दो तीन बार हुआ। कब मुलाकात हुई तुम्हारी उससे? कुछ 6-7 महीने पहले आखिरी बार हमने उसे देखा था, पर इग्नोर कर दिया। सर, कुमुद के पहले पति राजेश की फोन लोकेशन उस एरिया की नहीं थी जहां पर कुमुद पे एसिड अटैक हुआ था, लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया। ये देखिए सर, ये नंबर एक केमिकल सप्लायर का है। राजेश की इस केमिकल सप्लायर से अक्सर बातें होती हैं। तो हो सकता है इस केमिकल सप्लायर से एसिड का इंतजाम करवा के कुमुद पे एसिड किसी और से फेंकवाया गया। तो सर ये भी हो सकता है कि एसिड फेंकने वाला उसका भाई नवीन हो, क्योंकि कुमुद का पहला पति राजेश और कुमुद का भाई नवीन दोनों आपस में अक्सर मिलते थे। कुमुद का चेहरा मैंने एक अरसे से देखा तक नहीं, और आप कहते हैं कि मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। बिगाड़ा तो तुमने बहुत कुछ था कुमुद का, शायद अब चेहरा भी बिगाड़ दिया हो। सर आप, कुमुद का भाई नवीन क्यों मिलता था तुमसे? नवीन से मैं शादी से पहले भी मिलता था, और कुमुद से तलाक के बाद मैंने आया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कुमुद से बदला लेने के लिए कुमुद के भाई नवीन को मोहरा बनाया हो? मैं क्यों बदला लूंगा सर कुमुद से, छोड़ दिया है मैंने उसे, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। छोड़ा तुमने नहीं था कुमुद को, कुमुद ने तुमको छोड़ा था। तुम्हें अलिमनी देनी पड़ी थी कुमुद को, कहीं ऐसा तो नहीं उस अलिमनी की भरपाई करने की आग अभी तक लग रही हो? देखिए सर, अगर कोई सबूत हो तो आरोप लगाइए, ये बेवजह का शक कर मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। कौशिक, राजेश ने 5 साल इंतजार किया है तो बदला भी प्लान करके लिया होगा। उस केमिकल सप्लायर को बुलाओ, उसी से पूछताछ करके इसके राज खुल पाएंगे। सर नहीं खाना मुझे। बेटा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, बेटा मेरी बात सुनो। गुड गर्ल हो ना आप हमारी? नहीं मम्मा, गौतम अंकल की गाड़ी। गौतम अंकल, अंकल आज आप हमें अपने घर ले जाएंगे? मीरा अंदर आओ। लेकिन अंकल, कहा ना अंदर आओ। कुमुद, हमें पता है तुमने हमारे माँ बाप की बात को अपने दिल पे लगा लिया। देखो तुम हमारे बारे में मत सोचो, तुम्हारे माँ बाप को वाकई तुम्हारी चिंता है। कुमुद, जितनी इज्जत मैं अपने माँ बाप की करता हूँ उतनी फिक्र करता हूँ तुम्हारी। तुम इस हालत में ऐसे अकेले कैसे संभालोगे मीरा को? जिसका कोई नहीं होता ना गौतम, उससे अकेले ही लड़ना पड़ता। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया? शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं तुमसे हमें अकेला छोड़ दो, हम खुद अपने आप को संभाल लेंगे। अच्छा ये हमारी तरफ से मना मत करना प्लीज। सुनो, ये पैसे दिखाकर ना हमारी भावनाओं को छोटा मत कर, और एक बात कहें तुमसे, दोबारा यहां मत आना। मम्मा, अब हम वरुण और गौतम अंकल से कभी नहीं मिलेंगे ना? बेटा, जब वक्त बदलता है ना तो थोड़ा थोड़ा हमें भी बदलना पड़ता है ना? आप अपनी मम्मा पे ट्रस्ट करो, हम दोनों मिलके ना सब ठीक कर लेंगे, ठीक है? सर हम एसिड में डील करते ही नहीं, फिर हम कैसे देंगे किसी को? एसिड में डील नहीं करते, लेकिन किसी के लिए एसिड का इंतजाम तो करवा ही सकते हैं। लेकिन हम क्यों किसी के लिए एसिड का इंतजाम करेंगे? राजेश के लिए। सुना है दोस्त है वो तुम्हारा? हाँ दोस्त है, लेकिन उसने कभी हमसे एसिड के लिए नहीं बोला। पुलिस अब ये पता करने में जुट गई कि कहीं कुमुद पर एसिड फेंकने वाला गौतम से जुड़ा कोई शख्स तो नहीं था। पुलिस कुमुद को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, और वहीं कुमुद अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रही थी। और इसी दौरान पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली। सर, गौतम के घर के नौकरों से एक बात पता चली है, गौतम के पेरेंट्स कुमुद और गौतम की शादी के खिलाफ थे। हाँ ये बात सही है कि हम पहले से ही चाहते थे कि कुमुद की शादी गौतम से ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कुमुद पर एसिड फेंकवाए। तुम्हारे पेरेंट्स ने एसिड नहीं फेंका तो फिर क्या तुमने कुमुद पर एसिड फेंकवाया? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब हम क्यों एसिड फेंकवाएंगे कुमुद पे?
हम तो प्यार करते थे ना उससे। ये मतलब अब प्यार खत्म हो गया? नहीं, अब अभी भी करते हैं। तुम यहाँ ऐशो आराम भी जी रहे हो और वहाँ कुमुद दर दर की ठोकरें खा रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की पूरी कोशिश किए थे पर वो नहीं माने तो क्या करें। कौशिक, ये पेरेंट्स नहीं माने या गौतम खुद भी कुमुद से शादी नहीं करना चाहता था? ये गौतम और इसकी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। सर कुमुद, मैंने ड्रेसिंग कर दी और इंजेक्शन भी दे दिया। आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और धूप में जाने के लिए मना किया था ना, लेकिन आपके घाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप धूप में गई थी, इसलिए पस बढ़ गया। और दूसरी बात ये, आप नीचे क्यों सोती? ये देखिए चींटियाँ मक्खी, आपके घाव अभी ताज़ा हैं। अरे एक छोटी सी चींटी या मक्खी चली गई ना, ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम एक बेड तो ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, एनजीओ से बात करके एक बेड का अरेंजमेंट करवाता हूँ। नहीं सर, हम खुद मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। अरे कौन है? अरे कौन दरवाजा पीट रहा है? अच्छा तो तुम, नानी की याद आ गई आज? हमें कोई याद वाद नहीं आई है। तो फिर क्यों आई हो? हमें हमारी मम्मी का बेड चाहिए। उसकी माँ छोड़कर गई थी ना उसके लिए बेड, जो बेड चाहिए तुम्हें। हाँ, हमारी सगी नानी छोड़ के गई थी, वो चाहिए। चुप, यहाँ कोई बेड बेड नहीं है, निकल यहाँ से। हमें हमारी मम्मी का बेड चाहिए। तुमको सुनाई नहीं देता? कहो ना, कोई बेड नहीं है यहाँ पर। आ गई दोनों माँ बेटी, ले जा इसको, निकलो यहाँ से। क्या जरूरत थी? हाँ क्या जरूरत थी वहां जाने की? मना किया ना मैंने? आपकी मम्मा का बेड मांगने गई थी, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने बोला है ना। सॉरी बेटा, मेरी सॉरी, मम्मा से गलती हो गई, I'm sorry। सर, गौतम और उसकी फैमिली का एकराज सामने आया। 3 साल पहले उसकी पहली बीवी एक सिलेंडर ब्लास्ट में मर गई थी, लेकिन गौतम के इन-लॉज ने इस हादसे को हत्या का षड्यंत्र बताकर गौतम के पेरेंट्स पर आरोप लगाया। केस 6 महीने तक चला, लेकिन वर्डिक्ट गौतम की फैमिली के हक में गया। ठीक है, वर्डिक्ट गौतम की फैमिली के हक में गया, लेकिन हमें गौतम के इन-लॉज की भी कहानी सुन लेनी चाहिए। कहाँ रहते हैं वो? सर, गौतम के पेरेंट्स तो बहुत ही लालची थे। सर, उन्होंने तो हमसे दहेज भी बहुत मांगा था, लेकिन बदले में हमारी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दिया। सास ससुर हमेशा जली कटी सुनाते रहते थे उसे, और उसका वो पति गौतम, उसे तो कुछ पड़ी नहीं थी। सर, ये से केस जरूर खत्म हो गया, लेकिन हम दोनों आज भी यही मानते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को मारा है। मेरा मीरा, मीरा, कहाँ हो बेटा? मीरा, मीरा, अरे मीरा, कहाँ जा रही है? मीरा, ये क्या? यहाँ नहीं आई तेरी बेटी। कहीं देखा आपने उसको? हमने नहीं देखा, जा, हमारा और कोई काम नहीं, निकल यहाँ से, कोई तेरी बेटी नहीं आई है। मीरा, सर, गौतम के पेरेंट्स के बारे में कुछ और बातें सामने आई हैं। गौतम की पहली बीवी के मरने के बाद वो गौतम के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और जहां जहां उन्होंने रिश्ते की बात चलाई, वहां उन्होंने मोटे दहेज की मांग की। यानी गौतम अगर कुमुद से शादी करता तो गौतम के पेरेंट्स को वो मोटा दहेज नहीं मिलता। गौतम कुमुद से ही शादी करना चाहता था। कौशिक, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे का मन बदलने के लिए ही गौतम के पेरेंट्स ने कुमुद का चेहरा बिगाड़ दिया हो, ताकि गौतम खुद शादी से पीछे हट जाए? सर, ये थ्योरी तो स्ट्रांग है, लेकिन गौतम के पेरेंट्स के खिलाफ ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है कि उन्होंने कुमुद पे एसिड फेंकवाया हो। गौतम के पेरेंट्स को थाने बुलवाओ। सर, हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कुमुद पे ना एसिड फेंका है ना किसी से फेंकवाया है, फिर भी आप नहीं मान रहे। लेकिन आप लोगों ने पहली बहू को तो मारा ही था ना।
सर आपने अच्छी तरह केस स्टडी नहीं किया है। अगर हमने मारा होता तो हम हवालात में नहीं होते। पहले बच गए लेकिन इस बार आप लोग हवालात में पहुंच सकते हो। सस्पेक्ट्स बढ़ रहे थे लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस किसी को भी रिमांड पर नहीं ले पा रही थी। और इसी बीच पुलिस को कुमुद की बेटी के एक बार फिर से लापता होने की सूचना मिली। क्या मीरा इस बार भी रास्ता भूल गई थी या अब माँ और बेटी के फिर से मिलने के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे? साहब हमने मीरा पर हाथ नहीं उठाया बल्कि उसने हमें परेशान कर रखा था और इसीलिए आप लोगों ने उसे गायब कर दिया। साहब हमने मीरा को गायब नहीं किया, हमको तो लगता है कि ये सब उस गौतम ने किया होगा। वो क्यों करेगा? साहब क्यों करेगा ये तो नहीं पता लेकिन हमने उसको मीरा के साथ में देखा था। कहाँ देखा था उसे? वही संगम चौक पे। सर हम ना कहाँ बोल रहे कि हम मीरा से नहीं मिले थे, हम तो बोल रहे हैं मिले थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे किडनैप करवाएंगे। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो मिसिंग है। लेकिन मीरा से मिले क्यों थे? सर वो हम मम्मा बहुत बीमार है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। मीरा बेटा तुम क्या कर रही हो? मम्मा बहुत बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। आपने तो मम्मा को प्रॉमिस करके तोड़ दिया पर मुझे तो केयर करनी है मम्मा की। मीरा से नजर मिलाने की हमें हिम्मत नहीं हुई थी इसलिए हम वहां से चले आए। और सर हम मानते हैं कि हम कुमुद से शादी करने का वादा किए थे पर अब उसे अपनाने की हिम्मत नहीं है। सर तो कुमुद से अब तक दिखावा कर रहे थे तुम? दिखावा नहीं कर रहे थे सर, ऐसा नहीं है कि हम उसका बुरा चाहते हैं। जिंदगी भर उसका साथ देने के लिए तैयार, उसकी मदद करने के लिए तैयार लेकिन जिंदगी काट नहीं सकते सर। माफ कीजिए हम इतने महान नहीं है। महान क्या, तुम तो एक मामूली इंसान भी नहीं निकले। अगर उस बच्ची मीरा से नजर बचा के जाने की बजाय अगर उस बच्ची को कुमुद के पास छोड़ देते तो आज वो बच्ची गायब ही ना होती। इस बच्चे को कहीं पे देखा है तुमने? हाँ साहब, एक आदमी के साथ। स्केच बनवा सकते हो उसका? हाँ सर। देखो जरा अच्छी तरह से। बेटा कहाँ है आपका? पता नहीं साहब। देखिए सच सच बता दीजिए मैं आपका बेटा कहाँ पर है वरना आपके बेटे के साथ साथ हमें आपको भी जेल में बंद करना पड़ेगा। सर राजेश का फोन बंद है। आपके बेटे राजेश के पास कोई दूसरा नंबर भी है? जी दीजिए हमें। हेलो क्या? ठीक है एड्रेस भेजो। सर राजेश का दूसरा नंबर ऑन है, अभी त्रिवेणी संगम में एक्टिव है। कौशिक रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। बताओ मीरा को क्यों उठाया था? बोल। मैं कुमुद को और तड़पाना चाहता था इसीलिए कुमुद पे एसिड फेंका था। हैं? बोल। सर अगर कुमुद के पहले पति राजेश ने वाकई में कुमुद पे एसिड फेंका होता तो जैसे उसने कुमुद की बेटी को किडनैप करने की बात मानी तो ये बात भी मान लेता। कौशिक कुमुद का पति ही नहीं, कुमुद की माँ भाई दोस्त गौतम के घरवाले कोई भी इस केस में अपराधी हो सकता है।
हो मम्मा। बेटा थैंक यू। बेटा मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, अगर एग्जाम पास कर लिया ना तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सर गौतम की पुरानी ईमेल आईडी और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से सामने आया है कि उसकी पहली बीवी होते हुए भी उसके काफी अफेयर्स थे। मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई, एक दो की तो शादी हो चुकी है और एक आउट ऑफ इंडिया चली गई, लेकिन सर एक लड़की ऐसी है जिसने अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी थी, ये देखिए सर, ये उसके कुछ लास्ट मैसेजेस जो उसने गौतम को भेजे थे। सर इससे तो लगता है कि वो गौतम से काफी हर्ट थी। मंजू नाम है इसका। हाँ सर, हम मंजू से शादी करना चाहते थे पर हमारे पेरेंट्स नहीं माने थे। पहली बीवी होने के बावजूद तुम मंजू से टच में थे? एक दो बार हमने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था बस। अब कहाँ है वो? हमारी पहली बीवी मरने के बाद हम मंजू से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए थे और उसने अपना नंबर बदल दिया था सर, और जिस एड्रेस पे रहती थी वहाँ से भी शिफ्ट हो गई थी। उसका आखिरी एड्रेस दो हमें। जी मेरी मंजू गौतम से बहुत प्यार करती, जब से वो इसकी जिंदगी से गया तब से इसकी ये हालत है। सर मैंने मंजू की माँ के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिस रात कुमुद पर एसिड अटैक हुआ था उस रात मंजू की माँ की फोन लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पर कुमुद पर एसिड फेंका गया था। मैंने किसी पर कोई एसिड नहीं फेंका, मेरा विश्वास कीजिए साहब। हमने ये भी पता कर लिया है गोदावरी जी कि आपने वो एसिड खरीदा कहां से था। अब सीधी तरह से मान लीजिए जो भी कुछ आपने किया है, बोलिए। चाहते थे एसिड साहब, हम उस गौतम पर एसिड डालना चाहते थे क्योंकि उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी साहब, हम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। गलती से वो लड़की बीच में आ गई साहब। हम बुरे के साथ भला करने का तो नहीं सोच पाते हैं लेकिन बुरे के साथ बुरा करने का ख्याल भी बुरा ही होता है। कहने को मंजू की माँ बुरी नहीं थी लेकिन उसका इरादा गलत था। गौतम के साथ बदला लेने की बजाय अगर वो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने पर जोर देती तो शायद उन माँ बेटी की जिंदगी भी सवर सकती थी, लेकिन कुमुद जैसी मिसाल दे पाना हर किसी के बस में नहीं होता। कड़े संघर्ष के बावजूद आखिरकार कुमुद अपने पांव पर खड़ी हो गई। सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। हम आशा करते हैं कि अपने हौसले की जो लौ कुमुद ने हमेशा जलाए रखी वो उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में खुशहाली की रोशनी जरूर लेकर आएगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.